예수님 보면 내 칼이 더 작아. 아들아, 예수님 보면. ना बॉस देख मेरी बात सुनो, बैटरी तोड़ दी मामना तो ना तोड़ो कम तक जॉब लेना रह गया तो मैं तो मतलब जो पूछना आ रहा हूँ बेटा बतान लग रही है नौकरी देने लग रही है तुम्हारा मैंने भी पूछा ना कि तजाय पूछ रहा है जो बॉस तो तब बता दो बैटरी तोड़ लिया अपना थप्पड़ क्या मारो बार अरे ये तो तरीका है मेरा यार बॉस आपका थप्पड़ ये दिखाइयो सनी देवला का 1 किलो 2.5 किलो का अगर मन लग 50 किलो आता है तो जिसमें पड़जे नहीं जिसमें पड़जे वो समझ ले मेरे लिए मैं तो भाई गात का सही सुनो ओट ली मैंने बस देखो और किसी का ना मर जो मर जा कौन कोई अब उन तो बनाओ तो कड़ा के मालिक है सेंटर छोड़ के बैठ गए बाज गए भाई आज भाई एक और कैमरा मैन तोड़ा है जी जल्दी आ जी आज भाई यहीं बैठते हैं सर नमस्कार जी नमस्कार जी कैसे हो सर एकदम बढ़िया जी क्या नाम सर आपका डॉक्टर रोहित नाम है डॉक्टर रोहित जी तो मैं हमने देखा जी एक बार ओड़ा जाके बात करना आपसे बिल्कुल बिल्कुल वहां से जाके बात करते हैं सर से के सिस्टम है ईसा के है देखो मैंने कहा था नहीं इंडिया का स्वर्ग अब ईसार में आ चुका है और क्या सिस्टम है तो हमने एक बार गुब्बारे तो देखने लग रहे हो गए लेकिन नो को नहीं बेरा ये सिस्टम के है सिस्टम दिखाई दिया था हमने देखो भाई एक बार डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट डिवाइन का मतलब वो दिव्य सुंदर और क्रूज का मतलब होता है कर्मचारियों को यानी यहाँ पे सुंदर देख सको आप सुंदरता देख सको हो और कर्मचारी भी बढ़िया है और शकील भी बढ़िया देवा है सही बात है जी बिल्कुल सही बात है जी तो सर एक बात बताओ जी आपने ये चीज ले दी डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट जी बहुत बढ़िया है तो इसके अंदर ये चीज क्या है ये तो बताओ आप आगे वाली लाइन पढ़ो इंडियाज लीडिंग सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर अच्छा ये इंडियाज लीडिंग सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट मतलब भारत के अंदर एक जो है कौशल डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए एक सेंटर खुला ट्रेनिंग इसके लिए जॉब प्लेसमेंट एजेंसी के लिए अरे नौकरी 2% नौकरी लिख रहा सरकारी अर्थात में सरकारी नौकरी जदे तम बेरोजगार रह जो हो कुछ सीख लो थोड़ा बहुत और सर नहीं है मैं कहूँ तैयारी भी करवावा है सही बात है जी तैयारी भी करवावा है लगवावा भी है ठीक है और कई जॉब लेस होने कारण रांडे भी राज्य है सही बात है जी यार बिल्कुल सही बात और हरियाणा के तो आपको पता है लिंग अनुपात बहुत मतलब हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 38% है जो सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है वो रीजन सिर्फ यही है क्योंकि एक अफवाह दिमाग के अंदर भरा हुआ है सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जो बहुत कम है इंडिया जो एक प्रोड्यूसिंग कंट्री है कंज्यूम कहाँ से करेगा वो प्रोड्यूस कर रहा है इसी वजह से हर सरकारी नौकरी पे हर बच्चा नहीं जा सकता उसको प्राइवेट सेक्टर चुनना पड़ेगा कॉरपोरेट सेक्टर चुनना पड़ेगा और उस सेक्टर के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होती है इंटरव्यू स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स है पर्सनैलिटी उस बच्चे की है या नहीं वो सारी चीजें चेक करने के बाद एक बच्चे को कोई भी इंडस्ट्री है आईटी नॉन आईटी बीपीओ केपीओ रियल एस्टेट कुछ भी है चाहे वो उसके अंदर बच्चे को नौकरी दी जाती है तो वही सारी स्किल्स हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं सिखाते हैं मिनिमम 15 दिन से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया अब तो 6 महीने 6 महीने से कोई बार विपास बच्चा उसको ये सोचने की जरूरत नहीं कि बार के बाद क्या करेगा आओ डेमो क्लास लो आप ट्रेनिंग्स के बारे में ज्यादा नॉलेज लो आप पता करो कि ट्रेनिंग्स के अंदर क्या क्या सिखाया जा रहा है बच्चा जाएगा कंप्यूटर डिप्लोमा करके आएगा 15-20 हज़ार रुपए का 15-20 हज़ार रुपए देके इंग्लिश सीखेगा कहीं पे वो सारी चीजें हम यही सिखा रहे हैं इस डिप्लोमा के अंदर पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे किया जाता है कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें कम्युनिकेशन इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है एचआर मैनेजमेंट सेल्स मार्केटिंग सब कुछ तो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं ना वो प्रोफेशनल पर्सनल टेक्निकल और आपका कस्टमर चारों डोमेन्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो सर एक बात बताओ जी आप कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हो कई आप देखा भाई सारे के सारे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं लोगों के लिए अरे यार किसा के सिस्टम है डिप्लोमा भी अरुण को साथ में अलग कोर्स भी करवा हुआ है और उतना ही रेट में जो फिक्स रेट है एक बार तो रेट बता दो क्या रेट है फीस हमारी 23,600 रुपए 6 महीने के लिए 23,600 रुपये 6 महीने की 23,600 रुपये भाई साहब इतना सस्ता सिस्टम मैंने आज लग नहीं देखा है अकेडमिया में 12वीं क्लास की भी फीस 30,000 रुपये साल मतलब 6 महीने की या साल भर की है और ऐडा तो तारी जिंदगी का सवाल है जिंदगी बदलनी है ऐडा आओ और भी सर एक्स्ट्रा कोर्स बताइए इसके साथ जो डिप्लोमा है डिप्लोमा मार्केटिंग के कोर्सेज करवाते हैं वीडियो एडिटिंग के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ये अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है वो भी हम करवाते हैं 50+ कोर्सेज अवेलेबल हमारे पास 50+ जी 50+ कोर्सेज अवेलेबल है मतलब जी
मन तो जिस तरह ही सारा आसा पासा नहीं है ऐसा सेंटर को देखे को नहीं, मतलब हरियाणा में नहीं है। आपका दिमाग में खतूरी आइडिया आया कहां से ये सर? आज से 4 साल पहले शुरुआत की थी हमने और 3 साल हमारी कंपनी के हो चुके हैं और 1.5 साल हमें रोहतक वाली ब्रांच को रन करते हो चुके हैं और अभी हिसार के अंदर शुरुआत की है। बस एक विजन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनके करियर के अंदर सक्सेसफुल बनाना है और इसी करियर को लेके इसी विजन को लेके हम आगे चले हुए हैं और विजन ही हमें मोटिवेट करता है बेस्ट करने के लिए, बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिलीवर करने के लिए। सर ऐसा तो नहीं बस रूम है जिस तरह आप भी तैयारी कर दे हो जी, आप भी मतलब नौकरी तो वंचित रह गए हो, आपने नु सोचा भाई लोगों का भला जे लोगों का छोकरी भी और नौकरी भी दोनों चीज मिल जाए, पहला तो छोकरी के लिए नौकरी चाहिए जी। हाँ। ठीक है, तो आपने मतलब आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है क्या जीवन? नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपी के अंदर मैंने अपनी बैचलर्स की हुई है और ये मेरा विजन था कि मैंने ऐसा ऐसा अपने जीवन के अंदर करना है तो मैंने उस सेगमेंट को फिर साथ के साथ अपनी स्टडीज के साथ कंटिन्यू किया था और आज इसको मैं बड़े लेवल के ऊपर एक्सपेंड कर रहा हूँ, ट्रेनिंग अपनी रन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, तो सर यहाँ पे सर ये भी है क्या साथ में? आज एक बार कैमरा मैन इस साइड है जी, पर नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम सर आपका? अनुराग। अनुराग, हाँ जी। तो सर मैंने देखा कि आप यहाँ पे ये सिस्टम बन रहा है, पर लोग हाउ टू बिलीव, कैसे विश्वास करें लोग इसके विश्वास जी? अपना ये है और फ्रॉडन छोड़ गए, अगर बात है विश्वास वाली बात बालगा हमारे दौर है, फीस तो पहले अगले एक बात है भाई, अगर नौकरी चाहिए तो ना लिखित में देवांगे, रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे तेरे साथ, फीस बाद में दी अगर भरोसा नहीं है तो। हाँ। यो है अपना विश्वास। अच्छा जी, इब लिख रखा है दिव्य सुंदर कर्मचारी, अच्छे कर्मचारी। हाँ जी, तो आप कर्मचारियों से कुछ बात तो करवाओ हमारी, हम देखे तो क्या ये असलियत है, कैसे है, किस प्रकार से है। जरूर करवाते हैं आपकी बात, आओ आज भाई कैमरा मैन एक बार, भाई कहने का मतलब ये है ना, सोचो भाई इनकी सुन ली, इन पे विश्वास कर लियो था, मैं यहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्ते सर, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? स्टूडेंट हो आप यहाँ? नो, आई एम अ ट्रेनर। यू आर ट्रेनर? हाँ जी हाँ जी। तो आप मतलब किस तरह का इसको भाई यहाँ पर ये जो चीजें बता रहे हैं भाई इतना कम रेट में बिल्कुल बच्चों का भविष्य बना रहे हैं? बिल्कुल सर, तो ये बात सच्ची बताना बिल्कुल दिल से। बिल्कुल सच्चे, देखो एज ए टीचर मेरा काम बनता है अपनी ऑनेस्टी को दिखाना, एंड यू नो वेरी वेल द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईमानदारी से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एज ए टीचर होने के नाते मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा कर्म ही यही है, सबसे बड़ा धर्म ही यही है। बच्चा जो हमारा जो युवा जो आ रहा है वो बिल्कुल अपने ग्रामीण क्षेत्र से आता है, वहां के बच्चों को बहुत कम पैसे मिलते हैं, माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं और उस पैसे से गवर्नमेंट जॉब ने आपने देख ही लिया है गवर्नमेंट ने क्या हाल हो रखा है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ऐसा हो जाता है कि बच्चा नहीं कर पाता, जल्दी जॉब चाहिए तो प्राइवेट में ही जाएगा, तो वो यहाँ पे वो सारी चीजें बच्चे को सिखाई जाती है जो कंपनीज में जो डिमांड है। हाउ टू बिलीव पीपल लोगों को बिलीव किस तरीके से मिलेगा यहाँ के हमारे पास आने से, जो प्लेसमेंट लोगों की हुई है, बच्चों की जो प्लेसमेंट हुई है, हाईएस्ट प्लेसमेंट की मैं बात करूं, एक जो लोग स्कूलों में नहीं गए उनको भी पता है गूगल क्या है आज के टाइम पे, तो गूगल में भी हमारे यहाँ से प्लेस हुए हैं बच्चे 75,000 पे, तो आप यकीन करो 70,000-75,000 पे जब गूगल से और यहाँ से बढ़ के जाते हैं तो कितनी बड़ी बात है। बस भाई मैंने पता चल गया इसके, आप देख सको फराटेदार इंग्लिश जब बोल ली नहीं तभी पता चल गया था भाई कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको आज के टाइम पे जो डिमांड है वो किस चीज की है? इंग्लिश की। यू नो वेरी वेल दैट इज टुडे इज द डिमांड ऑफ इंग्लिश एंड इट्स अ नीड ऑफ सोसाइटी एज वेल, सो आप इंग्लिश के बगैर कहीं पे जा ही नहीं सकते भाई। मैंने विश्वास हो गया, मैंने मेरा समझ में नहीं आई थी। कोई नहीं, चलो यहाँ पे मैडम जी भी खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, जॉब करते हो क्या? सर मैं रोहतक ब्रांच से हूँ। रोहतक ब्रांच से हो, मतलब मेन ब्रांच वहाँ पे है? हाँ जी, मेन ब्रांच हमारी डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट की रोहतक में है, अभी हमारी सेकंड ब्रांच है। तो मैम ये बताइए, आप बोल रहे हो मैन ब्रांच, वहाँ पे कितने बच्चे आते हैं? वहाँ पे अभी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सेस में देते हैं, बेनिफिट हमारा मेन यही है कि अगर जैसे कि रोहतक हमारी ब्रांच है तो यूपी से कोई बच्चा है वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता, तो हम ये बेनिफिट देते हैं कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सेस में प्रोवाइड करा दें क्लासेस, तो कुल मिला के हमारे 35+ स्टूडेंट्स हैं रोहतक मेन ब्रांच के। जी सर, मतलब काम है ओरिजिनल है तो थोड़ा और, लेकिन ओरिजिनल काम करो। ओरिजिनल सर, बिल्कुल ओरिजिनल। अगर जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर में तो अब बच्चों की ये है कि भूल ही जाओ, क्योंकि कंपटीशन इतना हायर है कि कंपटीशन मतलब उनका टाइम ही
इतना लग जाता है, वो नहीं कर पाते क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में अगर वो यहाँ पे आते हैं तो विद इन रिटन एग्रीमेंट हम उनको प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। तो मैम एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, मतलब झूठ मत बोलना, बिल्कुल सच बोलना। बिल्कुल भी नहीं सर। आप बोल रहे हो कि हम गारंटी देते हैं, अगर बच्चे यहाँ आने के बाद उसका भविष्य खराब हो गया तो कोई नहीं सकता सर, पॉसिबल ही नहीं, मतलब 100% गारंटी, 100% की भी 200% गारंटी है सर हमारे पास। चलो भाई इस प्लेसमेंट दिखा दे भाई एक बार, उस साइड दिखा दे, आज इस साइड आज कैमरामैन एक बार पूरी प्लेसमेंट दिखा दे दर्शकों ने। यो है भाई सवर्ग, इंडिया का सवर्ग, देखो इस सवर्ग में एंटर होने खातर तारे अंदर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट कड़ में लगा था हमने एडायक है आज भाई।